नमस्कार, दृष्टि ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल JJN999 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे समस्या के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि बच्चों में अक्सर देखी जाती है और अक्सर समय पर इग्नोर हो जाती है। उनको हम लोग बोलते हैं नॉक नी। नॉक नी का मतलब होता है घुटना आपस में टच कर जाता है। वो होता क्यों है, सबसे बड़ी चीज किसमें होता है ये भी जानना जरूरी है। अक्सर ये जो बच्चे उम्र बढ़ती है उसमें देखा जाता है। वैसे तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको बोल एक होता है, वो फिजियोलॉजिकल होता है, वो सामान्य होता है जो कि 2 साल तक करेक्ट हो जाता है। लेकिन 2 साल के बाद पैर बाहर जाने लगते हैं, वो जीनू वर्गस में जाता है, वो भी सामान्य फिजियोलॉजिकल एक डेवलपमेंटल फेज में नेचुरली होता ही होता है और 6 से 7 साल पर वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से वो जो जीनू वर्गस होता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आजकल बच्चे हमारे घरों में रहते हैं, बाहर की उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम होती है, सनलाइट बहुत कम मिल पाता है, पॉल्यूशन की वजह से, एक्टिविटीज कम होने की वजह से, जिससे अक्सर लोगों में विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्कूल गोइंग बच्चों में ज़्यादा देखने की मिलती है और 7 साल से 11 साल के बीच में बहुत ही सामान्य जैसी होती है। लेकिन जीनू वर्गस जो बीमारी होती है वो शुरू में केवल विटामिन डी कैल्शियम को सावधानी देने से वो ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ब्रेस भी पहनाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 7 साल के ऊपर होने पर अक्सर किसी तरह के कसरत ब्रेस दवाओं से वो ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उनको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और इन सर्जरीज में 2 तरह की सर्जरीज होती है। एक बहुत छोटा सा सर्जरी होता है जिसको ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। ग्रोथ प्लेट लगा देने से उन बच्चों का जो नॉकनी है वो धीरे धीरे हाइट बढ़ने उम्र बढ़ने के साथ साथ करेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो प्लेट को निकाल दिया जाता है। लेकिन यदि शुरू में गौर ना किया जाए, जैसे लड़कियों में 11 से 12 साल के ऊपर उम्र हो गई, उनके मंसेस शुरू हो गए हैं, लड़कों में 13 साल से उम्र ऊपर हो गई है तो हाइट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है तो करेक्ट नहीं हो पाता है। उनको बस हड्डी काट करके एक प्लेट लगाई जाती है, उसमें भी बहुत सारे नए एडवांसमेंट आए हैं। पहले हम लोग बाहर से प्लेट लगाते थे जो कि स्किन के जो मार्क्स होते थे लोगों में दिखते थे, आजकल हम लोग अंदर से इंसिजन देते हैं थाई के अंदर से, जिससे मार्क्स विजिबल नहीं होते हैं और कॉस्मेटिकली अच्छा होता है। तो सभी अभिभावकों से मेरी निवेदन है कि अपने बच्चों को समय समय पर खड़ा करके देखना है, क्या उसको नॉकनी तो नहीं है, घुटने आपस में टच तो नहीं कर रहे हैं या घुटने के बीच में डिस्टेंस तो नहीं हो गए। होना क्या चाहिए, जब बच्चे को खड़े करते हैं घुटने वाले एंकिल के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, लगभग बराबर स्पेस 2 से 3 सेंटीमीटर का ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। यदि घुटना बाहर हो या पंजा बाहर हो तो तुरंत ही पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना है। और समय रहते बच्चों को पहचाना जा सके तो छोटी सी प्लेट, छोटा सा ऑपरेशन जिसमें ऑपरेशन के बाद तुरंत बच्चों में चलना फिरना शुरू हो जाता है और 4-6 महीने साल भर में करक खून आने पर वो प्लेट निकाल दिया जाता है। लेकिन अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ती हैं, उसमें बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उसको भी करना बहुत जरूरी होता है, नहीं करते हैं तो कम उम्र में ही बच्चों में घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, कॉस्मेटिकली अच्छा लगना, बहुत सारी समस्याओं से प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से उनमें पढ़ाई लिखाई भी अफेक्टेड होती है। तो जो भी अभिभावक हमारे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, इसके बाद हम कुछ बच्चों के फॉलो भी दिखाएंगे, पहले कैसे थे, किन तरीकों से हमने उनको ठीक किया, उनके बारे में जानकारी रखें, बच्चों पे वॉच रखें और जैसे आपको जानकारी मिलती है तुरंत आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल JJN999 को सब्सक्राइब करें। कभी भी आपको समस्याएं होती हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7379087121 पे संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके या क्लिनिक पे आप आकर के दिखा सकते हैं। धन्यवाद।